हेलो एवरीवन, सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आज है 4 जुलाई 2021 और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, अंकलेश्वर इज वेल नाउन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अंकलेश्वर जो जगह है वो किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है केमिकल इंडस्ट्री की वजह से। अंकलेश्वर हैज ओवर 1500 केमिकल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स सच एज पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड पेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये ठीक है। ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड MPs एंड MLAs। 3, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली, नहीं। Members of Legislative Council have no right to vote in the presidential election. Correct choose करना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये indirectly elect होता है और he is elected through an electoral college consisting of all elected MPs and MLA. इसके अलावा 4 MLC इसमें वोट नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 2, 1, 4। The president shall be elected by the member of electoral कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 55 में स्टेट को इंक्लूड किया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी के MLAs भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज नॉट लोकेटेड इन बिहार? तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है? नालंदा बिहार में है, उदंतपुरी बिहार में है, विक्रमशिला बिहार में, वल्लभी बिहार में नहीं है। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है। वल्लभी यूनिवर्सिटी इन गुजरात वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड चैम्पियन इन द कॉज ऑफ हिनायना बुद्धिज्म बिटवीन 600 CE एंड 1200 CE। चूज इनकरेक्ट अबाउट रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में गलत बताना है। सी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी, नहीं, ये कैसे सही होगा। सी वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, ठीक है। सी वाज असैसिनेटेड नियर कैथल हरियाणा, ये भी ठीक है। ए इसमें गलत है। खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। रजिया तो खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग भी नहीं करती थी, रजिया बिलोंग टू द स्लेव या फिर मामलूक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। चूज करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बताना है। बकरा नंगल प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे है, ये ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर, बिल्कुल। हीराकुड प्रोजेक्ट महानदी पर है, ये भी ठीक है। तो सभी इसमें करेक्ट मैच हैं, ठीक है। द साइमन कमीशन कंस्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इन टू द वर्किंग ऑफ द, तो साइमन कमीशन को बनाया था किसको इंक्वायर करने के लिए? मोल ने मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या चार्टर एक्ट 1833। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, तो उसी को इसने इंक्वायर किया होगा। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक्ट, इसमें एक प्रोविज़न था कि हर 10 साल में इसको एक बार रिव्यू किया जाएगा, तो इसको रिव्यू करने के लिए ये साइमन कमीशन बनाया गया था। द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्टैनली बेल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मोंटागु चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। इफ वुमेन इज कोडेड एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सर्वेंट इज कोडेड एज दिस, द वोटर्स विल बी कोडेड एज। सर्वेंट में आर के लिए 8 है और वुमेन में ओ के लिए 2 है, तो वोटर में ओ की जगह 2 ए में है, ठीक है, ये आसान था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नॉट एग्जामिन्ड द इश्यू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? सीएपीएफ 2018 का क्वेश्चन है।
ठक्कर कमीशन असैसिनेशन जो हुआ था इंदिरा गांधी का, उसके लिए बनाया गया था। तो ये इसने एग्जामिन नहीं किया था गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी। द जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप टू प्रोब गांधीज इंदिरा गांधीज असैसिनेशन। चूज करेक्ट अबाउट लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका के बारे में सही बताना है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इन द वर्ल्ड। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलीविया एंड पेरू। ठीक लग रहा है। इट इज़ साल्ट वाटर लेक। नहीं, लेक टिटिकाका एक फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ हो जाएगा बी। लेक टिटिकाका इज ए लार्ज डीप फ्रेश वाटर लेक इन द एंडीज ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलीविया एंड पेरू। इसको हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी ये नहीं है। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, ये तो कह सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट। द डीलिमिटेशन कमीशन इज ए हाई लेवल बॉडी सेटअप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज अपॉइंटेड बाई कंट्री प्रेसिडेंट। इट वर्क्स इन टेंडम विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डीलिमिटेशन कमीशन मेंबर में कौन होते हैं? डीलिमिटेशन कमीशन में एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।